उत्तर प्रदेश की बरेली की डेलापीर मंडी में धान की तुलाई न होने के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। जिन्होंने किसान एकता संघ के प्रदेश प्रभारी किसान नेता डॉक्टर रवि नागर को जानकारी दी। किसान नेता डॉक्टर रवि नागर तुरंत अपने संगठन के साथियों के साथ डेलापीर मंडी पहुंच गए, जहां डेलापीर मंडी में आरएफसी क्रय केंद्र अधिकारी नदारद मिले। केंद्रों पर ताले लटके हुए थे। किसान एकता संघ के पदाधिकारियों ने भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ नारेबाजी की और अधिकारियों को अवगत कराया, जिसके आधा घंटे पश्चात क्रय केंद्र अधिकारी केंद्र पर पहुंचे, किंतु मशीन लॉक होने के बाद कहकर किसानों का धान नहीं तोला गया। किसान नेता डॉक्टर रवि नागर ने साफ तौर पर कहा कि जब तक सरकार ने तौल के निर्देश दिए हैं, तब तक तौल की जानी चाहिए। प्रदेश के दौरान प्रदेश युवा अध्यक्ष राजेश शर्मा, मंडल अध्यक्ष श्रीपाल नेताजी, जिला सचिव जैनुल खान आदि अलग अलग गांव के किसान मौजूद रहे, जो अपना धान लेकर आए थे। मैं किसान एकता संघ का प्रदेश प्रभारी डॉक्टर रवि नागर हूँ। पिछले दिनों हमने डेलापीर से संबंधित धान क्रय से जुड़ी हुई, अभी 3 दिन पहले हमने शिकायत की थी कि डेलापीर मंडी के अंदर किसानों को दुखी किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और किसानों को डराकर धमकाकर, ऐसी भी जानकारी हमारे संज्ञान में आई कि किसानों को ये कहा गया कि हम तुम्हारे खिलाफ FIR करा देंगे। उसकी शिकायत हमने जिलाधिकारी महोदय बरेली से की और आज फिर वही लगभग 25 ट्रॉलियां यहाँ खड़ी हैं। ये सारे किसान यहाँ आए हुए हैं, जो सुबह से यहाँ खड़े हैं। 3 दिन से इन्हें दुखी किया जा रहा है कि कल तुलेगी आपकी ट्रॉली, परसों तुलेगी आपकी ट्रॉली। इन्हें 4 दिन हो गए। कुछ किसान तो ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि हमें 10-10 दिन यहाँ खड़े हुए हो गए हैं। सरकार के साफ निर्देश हैं कि जो किसान हैं उसका धान तुलना चाहिए, लेकिन आपने देखा ये सारे के सारे जितने भी RFC के 4 सेंटर हैं, उनमें एक मैडम तो मौजूद हैं कि वो सही तरीके से अपने उस पर तोल कर रही हैं, अन्यथा तीनों के तीनों सेंटर बंद हैं। एक भी कर्मचारी या एक भी क्रय केंद्र अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है और किसान दुखी है, परेशान है, भूखे पेट या कई कई दिन से लाइन में लगा हुआ है, लेकिन अधिकारी कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है कि किसानों के धानों को तोला जाए। इसलिए किसान एकता संघ के पदाधिकारी यहाँ पर आए। बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो किसान एकता संघ के सदस्य हैं, इन किसानों में उन्होंने हमें बताया, हम यहाँ पर आए हैं। अभी हमने सुनील भारती जी से भी बात की है, हमारे युवा के अध्यक्ष हैं पंडित राजेश शर्मा जी, उन्होंने सुनील भारती जी जो डिप्टी साहब हैं यहाँ के, उनसे बात की। उन्होंने कहा हम आधा घंटे में भेज रहे हैं, कोई ना कोई क्रय केंद्र अधिकारी सब मौजूद होंगे वहाँ पर, लेकिन यहाँ एक भी आदमी मौजूद नहीं है। आधा घंटा देखने के बाद अब हम यहाँ चेतावनी देते हैं, आग्रह करना चाहते हैं प्रशासन से कि किसानों को परेशान ना किया जाए, उनका धान तोला जाए, अन्यथा किसान एकता संघ यहाँ पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा, धरना देने के लिए मजबूर होगा। इसलिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं किसानों की बात को कहने के लिए, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। ये तमाम गांवों के किसान हैं जो यहाँ मौजूद हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं। DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।